नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। सोचिए कि देश में कई शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। उन शिक्षण संस्थानों में सुख सुविधाओं और छात्रों की पढ़ाई और छात्रवृत्ति के नाम पर हर साल लाखों रुपए का बजट भी आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि ये शिक्षण संस्थान फर्जी हैं, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन ये सच है, कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि देश में चल रहे अधिकतर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान फर्जी हैं, यानी कि इन शिक्षण संस्थानों के नाम पर हर साल आ रहा बजट डकार लिया जाता है। यानी सालों से देश भर में फर्जी संस्थानों के नाम पर बजट लिया जाता है और इस बजट से संस्थान चलाने के बजाय अपना घर चलाया जाता है। जम्मू कश्मीर और केरल में तो फर्जीवाड़े की हद पार हो गई है। इन जिलों के शिक्षण संस्थानों में जितने छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति ली गई है, उतनी तो इन संस्थानों की कैपेसिटी भी नहीं है। यहाँ कई संस्थान सालों से बंद पड़े हैं और सिर्फ यही नहीं, जब मामले की जांच की गई तो 22 छात्रों के अकाउंट नंबर के साथ जो कॉन्टैक्ट नंबर लिंक है वो एक ही है, यानी 22 अकाउंट्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसके लिए जांच बैठाई। मंत्रालय ने पहले चरण में देश के 100 जिलों को शामिल किया। इन 100 जिलों में 1572 संस्थान चलते हैं, जिनमें 830 संस्थान फर्जी पाए गए। इनमें से ज्यादातर मदरसे हैं। ये तथ्य सामने आए हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के हवाले से। इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर देश के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इन खातों पर रोक लगा दी है। दरअसल अल्पसंख्यक मंत्रालय इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर संस्थानों को रजिस्टर करवाना होता है। इसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ये संस्थान छात्रवृत्ति के लिए योग्य हो जाते हैं। बता दें कि पिछले 5 सालों में छात्रवृत्ति के नाम पर अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 144 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के अब तक 62 संस्थानों की जांच की गई, जिनमें से सभी संस्थान फर्जी निकले। वहीं राजस्थान के 128 संस्थानों की जांच की गई, जिनमें से 99 संस्थान फर्जी निकले हैं। वहीं कई राज्यों में 60% से ज्यादा संस्थान फर्जी पाए गए हैं। अब मंत्रालय इस पर जांच के साथ कार्रवाई भी कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।